नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तनाव का इलाज, डिप्रेशन ट्रीटमेंट। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि तनाव से नहीं जूझ रहा है। हर व्यक्ति को तनाव का सामना करना ही पड़ता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। कुछ लोग ये सोचकर भी तनाव ले लेते हैं, कुछ लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं तनाव के। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है तनाव और उसका हम लोग इलाज कैसे करें। तो चलिए पहले बात करते हैं तनाव के बारे में कि तनाव है क्या और ये क्यों आता है। तनाव की डेफिनेशन क्या है? तनाव वह रोग है जो व्यक्ति को धीरे धीरे करके मृत्यु तक ले जाता है। सबको पता होता है कि जिनको टेंशन होती है उनको बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। मानसिक बीमारी तो लगी जाती है, कभी कभी लकवे की समस्या भी आ जाती है। तनाव के कारण ही व्यक्ति जल्दी बूढ़ा दिखने लग जाता है, सबको पता है। तनाव मन में चल रही उथल पुथल या सोच को कहते हैं कि मैंने किसी चीज़ की सोच कर ली है और मुझे टेंशन होने लग गई है। उन सभी को हम लोग तनाव ग्रसित व्यक्ति मानते हैं। उसी सोच के कारण व्यक्ति अपनी ज़िंदगी खो देता है। इसीलिए सबसे बड़ी और भारी रोगों में से एक रोग जो है वो तनाव है। और मैं ये कहूँगा जिसको तनाव है उसको सारी की सारी बीमारियाँ हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक तनाव के होने से कोई बीमारी नहीं लगती या कोई बीमारी लग जाती है। तो मैं ये कहूँगा तनाव सबसे बड़ी भारी जो है वो एक बीमारी है। ये व्यक्ति आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो टेंशन में है, तनाव ग्रसित है। तो अगर आप लोग इसकी ज़िंदगी कितना मानते हैं, एक व्यक्ति जितना तनाव में रहता है वो दिमाग उतना ही यूज़ करता है। और जितना दिमाग आप लोग यूज़ करते हैं, एक पीक लेवल से ज़्यादा आप लोग अगर दिमाग यूज़ करते हैं तो आप लोगों को हर प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ जाता है। ओबेसिटी हो जाती है, खून का थक्का नहीं बन पाता, मस्तिष्क में बीमारियां पनपने लग जाती है, कभी कभी ट्यूमर्स भी हो जाते हैं या सिरदर्द होने लग जाता है। ऐसी कौन सी समस्या है जो तनाव से नहीं हो सकती? तो सारी समस्याएँ हैं जो सिर्फ तनाव ही हम लोगों को देता है। तो आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो तनाव में नहीं हो। हर व्यक्ति किसी न किसी बात से तनाव से ग्रसित है। जब तनाव होता है तब रक्तचाप, हृदय गति और नाड़ी की गति बढ़ जाती है। हृदय जो चाप होता है, जिसे हम लोग दिल धड़कना बोलते हैं, बहुत तेज़ी से होने लग जाता है। शरीर में खून का दौरा तेज़ी से बहने लग जाता है। उस स्टेज को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वह घबराहट सी होने लग जाती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे इससे निजात पाएं, लेकिन कोई भी ऐसा उपचार नहीं है कि हम लोग तुरंत उससे उपचार हम लोगों को मिल सके। तो लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग उसको सही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उन समस्याओं में आकर तनाव को कैसे दूर करें। यदि आप चाहते हैं कि आप तनाव से बाहर आएं, तब आपको उन बातों को भूलना होगा जिसकी वजह से आपके मन में उथल पुथल चल रही है। तो तुरंत तो हम लोग उन बातों को भूल नहीं सकते, लेकिन हम लोग उनके लिए ट्राई कर सकते हैं अगर हम लोग ये उपाय करते हैं तब, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए आप कुछ फलों और सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है कि हमारा दिमाग उतनी सोच नहीं पाता और तनाव में आने की वजह से वो एकदम जैम्ड हो जाता है। मतलब मैं कहूँगा कि काम करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है दिमाग की। तो अगर हम लोग अच्छे फल और अच्छी सब्जियों का सेवन करेंगे जिससे दिमाग जो है वो तंदुरुस्त होगा, तो दिमाग उस तनाव जिसके कारण आ रहा है उस समस्या को बाहर निकालने की सोच पाएगा। तो ये सिर्फ फलों और सब्जियों की वजह से ही हो सकता है। लेकिन यदि हमें किसी और दूसरी बीमारी लगी हुई है, जैसे कि मोटापा बढ़ा हुआ है और हम लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं, किसी दूसरी टेंशन आ गई है, तो हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अगर आप लोग फल और सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों का दिमाग दुरुस्त रहेगा, साथ ही आप लोगों को तनाव से बाहर निकलने की भी कोशिश मिल सकेगी। यदि इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है तब आप मेडिटेशन और योग का सहारा ले सकते हैं। चलिए जानते हैं तनाव की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लड़की है जो तनाव से मुक्ति पा चुकी है, ऐसे लगता है कि इसको कोई भी तनाव जो है वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह की जो ताजगी होती है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हम लोगों को चाहिए होती है।
अब बात करते हैं मूवी, फिल्म और गाने की। मूवी, फिल्म और गाने जो होते हैं वो तनाव से लड़ने की हम लोगों को ताकत देते हैं, और हम लोगों को वो बताते हैं जो कि हम कैसे एक तनाव से निकल पाए। तो ये एक उपचार है। आप लोग तनाव में जब भी रहें तो आप लोग गाने सुन सकते हैं। तनाव की स्थिति में आप गाने सुन सकते हैं, क्योंकि मधुर धुन सुनने से आपके कान और दिल को तसल्ली मिलती है। कहते हैं कि जब सबसे पहले भगवान ने शरीर और रूह को बनाया था, तब रूह भी शरीर में ऐसे नहीं समाई थी, उसके लिए भी गाना गाना पड़ा था। तो मधुर धुन आपके तनाव लेवल को बहुत ज़्यादा जो है वो कम कर देती है। तो आप लोग उसके लिए गाना जो है वो सुन सकते हैं। यदि आप गाने नहीं सुनते हैं, आप लोगों को गाने सुनने की आदत नहीं है, तो आप लोग अपना ध्यान जो है वो भटका सकते हैं, हटा सकते हैं वहाँ से। तो उसके लिए आप लोग मूवी देख सकते हैं। ये सिंग है, मतलब गाना है, जो मैं कहूँगा कि एक धुन होती है जो तनाव से लड़ने की हम लोगों को ताकत देती है। दूसरा हमारे पास है योगा। योगा जो है वो शारीरिक शक्ति जो है उसको बहुत ही बढ़ा देता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ा देता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। तो किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो योगा हम लोगों को दे सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि इसके लिए आप लोग ब्रह्मी प्राणायाम जो है, भ्रामरी प्राणायाम जो है वो आप लोग कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथ की उंगलियों से आप लोगों को करना है। इसके अंदर आप अपनी आंखों को 3 उंगलियों से बंद कर लेते हैं, उसके बाद चौथी उंगली से आप माथे के भाग को दबाते हैं, एवं उनके अंगूठे कान को बंद कर लेते हैं। अंगूठे से आप लोगों को कान को बंद करना है। अब आपको ओम का जाप करना है। यह प्राणायाम आपको नया जीवन देगा और तनाव लेवल को शून्य कर देगा। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है वो आप लोग करें। ये इस प्रकार होता है, देखिए अभी मैं बताऊंगा। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो ऐसे है, जो बाबा रामदेव जी हैं इन्होंने भ्रामरी प्राणायाम जो है वो कर रखा है। ये जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप लोगों को एक हाथ का ही सहारा जो है वो लेना है। इसके अंदर आप दाएं भाग के अंगूठे से एक नाक को बंद करें और दूसरी से सांस लें। अब जिसमें आप सांस लिया है उसको मध्यमा अंगुली से बंद करें और दूसरी नाक से सांस बाहर की ओर छोड़ें। अब जिससे छोड़ा है उसी से दोबारा सांस लें और दूसरी से छोड़ें। यह प्रक्रिया कम से कम आप लोगों को 30 बार जरूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आप लोगों के मस्तिष्क की जो नसें हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, उनको खोलने का काम कर देता है। तो आप लोगों को जो तनाव है जिस वजह से, उसमें आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा योगा से। ये दोनों ही योगा आप लोगों के तनाव को बहुत ही कम कर देंगे। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन जिसको आती है उसको कोई भी रोग जो है वो पास में नहीं आता है। मेडिटेशन वह स्टेट होती है जिसे मैं सबसे अच्छा मानता हूँ, जिसमें शरीर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन मेडिटेशन करना आसान बात नहीं होती, उसके लिए पहले शरीर को तैयार करना पड़ता है, और शरीर को तैयार सिर्फ फलाहारों से या आप लोग अपने दृढ़ निश्चय से ही कर सकते हैं। ये ऐसा होता है मेडिटेशन में, जिसमें शरीर को ऑर्डर मिलता है दिमाग के जरिए, और वो सही राइट डिसीजन मिलता है एकदम, जिसमें शरीर जो है वो अच्छा रहता है। अब बात करते हैं हम लोग, ये मेडिटेशन की एक पिक्चर है जिसमें ये कुंडलियां जो है वो जागृत हो चुकी हैं, इंसान जो है वो अच्छा सोचता है। अब बात करते हैं अपने नज़दीकी व्यक्ति से बातें शेयर करने की। तो आप लोग जब भी तनाव में हो, किसी बात की टेंशन हो, तो आप लोग अपने अंदर घुटे नहीं, अपनी बात को शेयर करना ना भूलें। यदि आप परेशान हैं किसी फैमिली रिलेशन की वजह से या किसी ऐसी बात से जो आपको निरंतर सताई जा रही है, आपको अपनी बात शेयर कर लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से शेयर करनी चाहिए जो बात को समझ सके और समस्या को बढ़ने से रोक सके। अपनी समस्या किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर नहीं करें जो समस्या को दुगना कर दे। किसी ऐसे व्यक्ति से ही शेयर करें जो कि समस्या को सही रास्ते पर लाए और उस समस्या का निवारण कर सके। ये देखिए दोनों फ्रेंड्स हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। तो आप लोग इस बात को समझिए कि किसी को बात शेयर करना बहुत ही अच्छी बात होती है। अब बात करते हैं नींद की। ये एक ऐसा मेडिटेशन स्टेट है जिसे हम लोग शून्य मेडिटेशन स्टेट बोलते हैं, और ये किसी भी तनाव लेवल को बहुत ही कम कर देता है। जब हम लोग उठते हैं तब तनाव में रहते हैं, लेकिन जब हम नींद में रहते हैं तो हम लोग तनाव में नहीं रहते। तो आप लोग जब भी तनाव में आए तो पूरी नींद लेने की कोशिश करें, कैसे भी करके नींद लें, लेकिन आप लोग उस चीज़ को करें। और ऐसे आप लोगों को सोना है जैसे बच्चा सो रहा है, क्योंकि बच्चा जो है वो तनाव में नहीं रहता।
ऐसे फलों का सेवन करें जिसमें अधिक मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम हो। पोटेशियम और मैग्नीशियम जो हैं वो तनाव लेवल को बहुत ही कम कर देते हैं, क्योंकि कार्टिसोल जो हार्मोन होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि कार्टिसोल एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से हम लोगों को तनाव में ग्रसित रहते हैं। कार्टिसोल लेवल अगर बहुत ही ज़्यादा चला जाता है तो हम लोगों का जो तनाव है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसके कारण हम लोग पोटेशियम और मैग्नीशियम खा सकते हैं, और पोटेशियम मैग्नीशियम के लिए मैंने आप लोगों को पहले वीडियो भी दे रखा है पोटेशियम का, तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं जो कि तनाव के लेवल को कम कर सकता है। तो उसके लिए आप लोग केला भी प्रीफर कर सकते हैं या पोटेशियम वाले आहार का भी आप लोग सेवन कर सकते हैं। हेल्दी खाना, हेल्दी खाना जो है आप लोगों के माइंड के स्ट्रेस जो भी है, मस्तिष्क में जो तनाव है उसको बहुत ही कम कर देता है, शारीरिक बीमारी को दूर कर देता है। तो इसीलिए फाइबर खाना ना भूलें। जो लोग फाइबर का इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी समस्या का सामना जो है वो आसानी से कर लेते हैं जो कि शरीर से रिलेटेड होती है। तो और साथ ही आप लोगों का दिमाग भी दुरुस्त रहता है, तो आप लोग फाइबर खाना ना भूलें, शरीर से संबंधित बीमारी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग व्यायाम की। शारीरिक बीमारी जो है वो एक तनाव दे देती है, या धन लक्ष्मी नहीं होने की वजह से भी आप लोगों को तनाव हो सकता है। तो व्यायाम आप लोगों की शारीरिक शक्ति को बढ़ा देता है जिससे आप लोगों का तनाव जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। नींद भी आप लोगों को अच्छी आती है ताकि आप लोग तनाव से हट सकें। तो सुबह सुबह दौड़ना या मॉर्निंग वॉक करना ना भूलें, इवनिंग वॉक भी करें जिससे आप लोगों का तनाव जो है वो बहुत ही कम हो सके। किसी भी बात को अपने तक नहीं रखें, अंदर ही अंदर न घुटें, ये तो मैंने मूल मंत्र ही आप लोगों को बताया है। तनाव का लास्ट टॉपिक है। मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों का फायदा है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसी दूसरे के ये वीडियो काम आ सके। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी बात को अपने अंदर नहीं रखे, कहने का मतलब है बात से लड़े या किसी दोस्त को अपनी बात शेयर करें ताकि तनाव लेवल कम हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।